हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इटरी एक्सप्रेस। आज हम बनाने वाले हैं कुरकुरे भिंडी की रायता। सुनने में तो काफ़ी मज़ेदार है ना। चलो कैसे बनाते हैं वो देखते हैं। पहले तो हमें कुछ भिंडी ले लेना है फ्रेश, जिसे हमें बारीकी से काटना है। आइए चलिए देखते हैं। भिंडी को पहले चार हिस्सों में काट लेते हैं। अब हम इसमें से सारे बीज निकाल लेते हैं और पतले पतले स्लाइसेस में कर लेते हैं। सारे एक ही साइज का हमें काट लेना है। इसी तरीके से इसे काट लीजिए। थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा हो जाता है, बट इट्स ओके। लेंथ इसका सेम साइज का हो तो काफ़ी अच्छा दिखेगा जब हम इसको फ्राई करेंगे तब। इसी तरीके से हम बाकी भिंडियों को भी कट करके रेडी कर लेते हैं। हम यहाँ पे 200 ग्राम भिंडी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब हम इसमें मसाले ऐड कर लेते हैं। हाफ टी स्पून जितना हल्दी पाउडर, दो चम्मच कश्मीरी मिर्ची पाउडर, दो चम्मच धनिया पाउडर ऐड कर लेते हैं। एक चम्मच जितना आमचूर पाउडर ऐड कर लेते हैं। तीन चम्मच बेसन ऐड कर लेते हैं हम इसमें। भिंडी को कुरकुरी बनाने के लिए हम इसमें चावल का आटा ऐड कर लेते हैं। दो चम्मच जितना चावल का आटा हमको ऐड करना है। अब हम इसमें अजवाइन ऐड कर लेते हैं, ये करीबन एक टीस्पून है। अब हमें इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है। और याद रखिए, नमक हमें अभी ऐड नहीं करना भिंडी में। भिंडी में अगर नमक ऐड करेंगे तो वो अभी अपना पानी छोड़ने लग जाएगा। जैसे हम फ्राई करने जाएंगे उसके पहले हम थोड़ा सा नमक ऐड कर लेंगे स्वाद अनुसार। ये जो भी हमने ऐड किया है वो 200 ग्राम भिंडी के लिए है, तो अगर आपको इसका डबल बनाना है तो इस हिसाब से आप ऐड करिएगा। भिंडी मिक्स होके रख दिया है। अब हम एक पैन ले लेते हैं, उसमें ऑयल ऐड कर लेते हैं फ्राई करने के लिए। हम इसमें थोड़ा सा नमक ऐड कर लेते हैं। इसे मिक्स करके डायरेक्टली हम पैन में डाल देते हैं इसे फ्राई करने के लिए। हमें करीबन 5 मिनट तक फ्राई करना है भिंडियों को, तब तक ये काफ़ी ज़्यादा कुरकुरी हो जाएगी। ज़्यादा देर हमें नहीं पकाना, वरना ये जल भी जा सकता है। भिंडी अच्छे से फ्राई हो गया, अब हम इसको निकाल लेते हैं। हमारी कुरकुरी भिंडी रेडी हो गया है। अब हम इसमें आमचूर पाउडर ऐड कर लेते हैं थोड़ा सा फ्लेवर के लिए। और इसे हल्के हाथ से टॉस कर लेना है ताकि आमचूर मसाला अच्छे से मिक्स हो जाए। नेक्स्ट हमें दही का तड़का लगाना है। उसके लिए हम एक पैन में थोड़ा सा ऑयल ऐड कर लेते हैं। अब हम राई डाल देते हैं। नेक्स्ट हमें थोड़ा करी पत्ता ऐड कर लेना है। हमने थोड़ा सा जीरा ऐड कर लेना है। हमारा तड़का रेडी हो गया है, अब हम इसे दही में ऐड कर लेते हैं। दही में हमें नमक ऐड करने की ज़रूरत नहीं है,
बिकॉज हमने ऑलरेडी भिंडी में नमक और आमचूर पाउडर का इस्तेमाल किया है। कुरकुरी भिंडी रायता रेडी हो गया है। अब हमें ये जो भिंडी है जो हमने फ्राई करके रखा है उसे हमें दही में ऐड कर लेना है। और याद रखिए भिंडी ठंडा हो जाएगा तभी हमें दही में ऐड करना है, वरना कभी कभी दही फटता है गर्म होने की वजह से। आपको मेरे रेसिपीज पसंद आते हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करिए एंड मुझे आप फॉलो भी कर सकते हो इंस्टाग्राम पे, जिसका लिंक मैंने ऑलरेडी शेयर कर दिया है। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट गाइज। इफ़ यू लाइक माई वीडियो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर वीडियोज़।